जय वेंकटेश। मेरे प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज, जय वेंकटेश जी, सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि शुभ ग्रह कौन से हैं और अशुभ ग्रह कौन से हैं। मेरे प्यारे मित्रों, काफ़ी लोग जब मेरे पास आते हैं कुंडली दिखाने के लिए, जब मैं उनको बोलता हूँ कि आपका यह ग्रह शुभ स्थान पर बैठा हुआ है और यह ग्रह अशुभ स्थान बैठा हुआ है, काफ़ी लोग प्रश्न करते हैं गुरु जी, ये शुभ ग्रह कौन से हैं और अशुभ ग्रह कौन से हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि शुभ ग्रह कौन से हैं और अशुभ ग्रह कौन से हैं, शुभ ग्रह से क्या फल मिलता है, अशुभ ग्रह से क्या हानि प्राप्त होता है। शुभ ग्रह कौन से हैं, जैसे सबसे पहले हैं चंद्र, बुध और गुरु, ये शुभ ग्रह माने गए हैं। अशुभ ग्रह कौन से हैं, सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, ये अशुभ ग्रह माने गए हैं। मेरे प्यारे मित्रों, कहीं कहीं शास्त्र में शुक्र को शुभ ग्रह माना गया है, कहीं कहीं शुक्र को अशुभ बताया गया है। अशुभ क्यों बताया गया है, जो मेरा अनुभव है, क्योंकि शुक्र जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, वो दैत्यों के गुरु हैं, तो उनका स्वभाव तत्व वही रहेगा। जैसे लिखा गया है, संसर्ग जा दोष गुणा भवंतु, संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण जा। जैसे व्यक्ति कोयले के खान में जाएगा तो उसको कालापन जरूर लगेगा, वैसे ही शुक्र का स्वभाव जो है दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य हैं, इसलिए इनको अशुभ ग्रह माना गया है। अब शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह, जैसे आपको और ग्रह बताना चाहिए, जैसे पकड़ लीजिए राहु, यदि राहु ग्रह चंद्र के साथ बैठ जाएं, चंद्र जो है शुभ ग्रह है, राहु जो है राक्षस हैं, पापव ग्रह हैं, जब राहु चंद्र देव के साथ प्रवेश करेंगे या राहु चंद्रमा एक साथ जब किसी भी बारह स्थान बैठेंगे, उसे शास्त्र में ज्योतिष में बताया गया है कि चंद्र ग्रहण, जब राहु चंद्रमा एक साथ बैठ जाएगा उस व्यक्ति के कुंडली में चंद्र ग्रहण प्रवेश कर जाता है और चंद्र ग्रहण काफ़ी संघर्ष करवाता है, काफ़ी लाभ रोक देता है, व्यक्ति परेशान होते, इसलिए ग्रहण और राहु का चंद्र ग्रहण शांति अवश्य करना चाहिए। जैसे शनि, शनि यदि चंद्रमा के साथ बैठ जाए, शनि पापव ग्रह, चंद्र शुभ ग्रह, जब शनि चंद्रमा एक साथ बैठे उसको बोलते हैं विष योग। विष योग उस व्यक्ति को जल से भय रहेगा, कुछ उसके साथ धोखा हो सकता है, उसके जीवन कुछ घटित हो सकता है, पुलिस केस हो सकता है, फौजदारी हो सकता है, किसी दूसरे के मामले में स्वयं वो फंस सकता है। चंद्र शनि और चंद्रमा विष योग बना देते हैं। जैसे राहु, जैसे शुक्र जो ग्रह है ये चंचलता स्वभाव का है, शुक्र किसी के साथ बैठ जाता है, शुभ ग्रह के साथ बैठ जाता है तो व्यक्ति चंचल स्वभाव हो जाता है, उसका मन चंचल स्वभाव हो जाता है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि सम है, सबके साथ मिल के रहता है, न बुध का कोई शत्रु न कोई शुभ, किसी के साथ भी वो बैठ सकता है, उसको शास्त्र में सम ग्रह बताया गया है। मेरे प्यार में तो शुभ ग्रह जो हैं चंद्रमा, बुध और गुरु, अशुभ ग्रह जो हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, ये शुभ अशुभ ग्रह हैं और शुभ ग्रह हैं, ये हमको आप नोट कर सकते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि मेरा जो वीडियो मैं बनाऊं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। जय वेंकटेश।